सविता पीताम्बर महाजन, पत्रकार, सावरकर नगर, गंगापुर रोड, नासिक। आप ही ने लिखा, बहुत बहुत साधुवाद है। आपने जो हिम्मत करी इस पत्र को लिखने की, उसके लिए आपको साधुवाद। गणपति व्रत एक मंदिर में हो गए हैं, पर लोग जब वहां पर पशुपति व्रत करने के लिए आने, तो उन्होंने इस मंदिर में ताला लगा दिया। आज 3 महीने होने जा रहे हैं। अब आप बताएं, 5 व्रत एक ही जगह पर करना है तो फिर मैं कैसे करूं? इन व्रत को फिर मैं कैसे कर सकती? शिव महापुराण की कथा कहती है, पीछे आवाज बढ़ाओ, लोगों परेशान हो रहा है, सबसे पीछे ग्राउंड हो गए, तो कैसे करूं? बैठो बेटा, पहले तो हम इतना सा जरूर कहेंगे सभी मंदिर के पुजारियों को, पंडितों को, या मंदिर के ट्रस्टियों को, या मंदिर को चलाने वाले संचालकों को, शिव महापुराण के पहले ऐसे कितने शिव मंदिर थे जिन मंदिरों के अंदर कुत्ते बैठे रहते थे, कोई जाना पसंद नहीं करता था। गोबर पड़ा रहता था, जाले लगे रहते थे, सफाई नहीं होती थी, झाड़ू नहीं लगती थी, वैसा के वैसे ही पड़ा रहता था। हमारा तो केवल सनातन धर्म के इन रक्षकों से केवल हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आज बेटा बेटी, घर की बहुएं, घर के पुरुष शंकर के मंदिर तक आ रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म जाग रहा है। अगर आज इन बच्चों के हृदय पर कुठार पड़ेगा, आज इन बच्चों के मन पर अगर ये कुठार रहेगा, तो ये मंदिर तक जाना छोड़ देंगे। दुनिया तो चाहती यही है कि ये मंदिर तक ना जाए, धर्म चेंज कर ले, सनातन धर्म को बदल कर हमारे धर्म में आ जाए और मोमबत्ती पकड़ लें और आना हमारे यहाँ चालू कर दें और ये सनातन धर्म नष्ट हो, ये तो चाहते ही है। पर शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि अगर शिव के मंदिर तक लोग आ रहे हैं, एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, तो आपको मंदिर के दरवाजे खोलना चाहिए, जिससे भक्त से भगवान है। भक्त से भगवान होता है। एक लाइन आप लोग हमेशा गुनगुनाते रहे हैं पहले से कि भगत के, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, और भगत के वश